आई एम अज्यूमिंग तुम बहुत टाइम आता है, बहुत बार सोचते हो अपने आप से एक चीज कि यार लाइफ में जैसे काम करना था वैसे कर नहीं रहे यार, या जैसे उखाड़ना था वैसे उखाड़ नहीं रहे यार, यार मेरी लाइफ में यहाँ पे हल्का हल्का सा मेरे को स्ट्रेस महसूस होता है, फिर एंग्जाइटी महसूस होती है, क्योंकि जिंदगी में जो आ रहा है वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ आए, जो मैं हमेशा से सोचता हूँ, अपने दिमाग में प्लान बनाता हूँ, जो मौका है, जो गोल्स हैं, जो एम्बिशन है, जितनी भी चीज़ों को मैंने रख रखा है, 6 महीने में ये अचीव हो जाएगा, 3 महीने में ये खत्म हो जाएगा, 1 साल मुझे यहाँ पे पहुँचना है, सैलरी इंक्रीमेंट इतना चाहिए भाई, स्किल लर्निंग में यहाँ पहुँचना है, कंपटीशन में यहाँ फोड़ देना चाहिए, कंपटीशन के लिए इतनी पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, इतने सब्जेक्ट फोड़ लेना चाहिए थे, इतनी चीज मुझे आनी चाहिए थी, इतना इंटेलेक्चुअली मुझे कल्टीवेट कर लेना चाहिए था अपने आपको। बकरचोदी मैं बहुत करता हूँ, सपने बहुत बनाता हूँ, मैं बातें बहुत चोता हूँ अपने आपसे, प्लान बहुत बनाता हूँ, मैं लौड़े से कुछ अचीव नहीं करता, मैं पूरे दिन करता क्या रहता हूँ भोसड़ी के, ये आता है प्रश्न माधर चो, वो धर धर कांपती है तुम्हारी रूह, व्हेन यू इवन कॉन्शियसली पे अटेंशन टू कि तू कर क्या रहा है, वो चीजें तेरे को डराती हैं, रात को भोसड़ी तू प्लान बना रहा है, मैं 10 बजे सो जाऊंगा, 9 बजे सो जाऊंगा, 11 बजे सो जाऊंगा, लेकिन भोसड़ी के तू 2 बजे तक जगा रहता है, क्योंकि तू बैठ के चूते तरह स्क्रोल कर रहा है, चूतिया पे स्क्रोल कर रहा है, मैं मुठ नहीं मारूंगा, मैं मुठ नहीं मारूंगा, मैं मुठ नहीं मारूंगा, लेकिन भोसड़ी की जब आती अंदर से तो एक सेकंड में खोल लेते, वही दलदल उसी खाई में वापस गिर जाता हूं मैं, और रोका नहीं जाता, उसके बाद दिमाग फिर खराब होता है, और फिर एक हार सी महसूस होती है, जो पता है पहले स्टार्टिंग में होता है कि यार अरे आज हार गए, फिर पता है तुम यूज्ड टू हो जाते हो, डोमिनेंट थॉट बन जाता है कि मैं हार रहा हूं, और मैं काइंड ऑफ उससे कंफर्टेबल हो चुका हूं कि मैं हार रहा हूं, कॉन्शियसली नहीं, सब कॉन्शियसली एक्सेप्ट करने लग गए हो, जो भी प्लान थे, जो भी एम्बिशन थी, वो नहीं होंगी पूरी यार मेरी, आई एम वेरी श्योर तुम में से बहुत सारे लोग हो जो ये एक्सेप्ट करके बैठे हो कि भाई मैं हारूंगा, और मैं हार चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट। कितने लोग हैं जो अपना टास्क फोड़ है न्यू मोड के अंदर, जितने लोग हैं भोसड़ी अटैक मोड के अंदर अपना टास्क फोड़ है, सब लोग लिखे हैं, लिखो भोसड़ी का अगर अटैक मोड बीइंग पावरफुल सिस्टम यूज करो तो कितने तुमने टास्क फोड़ नीचे लिखो, और जो न्यू मोड यूज कर रहे हैं अटैक मोड के अंदर ही है न्यूक्लियर मोड, टेंशन ना लो, जो फोड़ो दिखाओ, शो ऑफ करो माधरचोद के मुखाड़ है भाई। अब आता है भाई सिंपल सी चीज, कम बैक मारना चाहते हो, अभी कुछ झांटे नहीं उखड़ा है, कुछ नहीं गया तुम्हारी जिंदगी में, जो भी तुम चाहते हो तुम वापस एकत्रित कर सकते हो, और उसको स्ट्रक्चरली तुम इरेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो, तबाही मचा सकते हो तुम, क्योंकि वो जो इंसान था तुम्हारे अंदर, जो योद्धा था, जो तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है हर तरह से अपने आपको एनरिच करने की, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट काम इन द सेंस ऑफ सक्सेस एक्विजिशन, नहीं मेरे भाई, एनरिचमेंट ऑफ द बीइंग दैट इज यू, लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट की बात कर रहा हूं भैंचोदों। वो कैसे होगा, 4 भाग में उसको विभाजित करते हैं, डिसिप्लिन, पर्पस, बॉडी ओवर माइंड, माइंड ओवर बॉडी। सिर्फ 15 दिन का तुम्हें मैं प्लान दे रहा हूं, हाउ टू मेक द ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ योर लाइफ, 4 चीजें करनी है तेरे को, एक बार टेस्ट तो ले टोटल विक्टरी का, टेस्ट तो ले एकदम टोटल अमेजिंग फकिंग प्रोग्रेस का। सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है भोसड़ी के, तेरे सामने 15 दिन जो है नेक्स्ट, उसका एक गोल बना, व्हाट एम आई गोइंग टू अचीव इन द नेक्स्ट 15 डेज, वेरी सिंपल क्वेश्चन, नेक्स्ट 15 डेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 दिन में 15 दिन है बस, जब भी तू 15 दिन का गोल बनाता है तो तेरे को एक्चुअली लिखना पड़ेगा वो लिटरली फिर एवरी सिंगल डे मेरे को करना क्या है, जब तुम 1 महीने का गोल बनाते हो, 3 महीने का गोल बनाते हो, तो तुम एक्चुअली 90 दिन क्या करने वाले हो नहीं लिखते हो, 3 मंथ्स लेटर मैं ये अचीव करना है, फिर वो 3 महीने में चलता आ रहा है, 15 दिन, एक भी दिन वेस्ट होता तो वो 14 दिन हो जाते हैं, 2 दिन वेस्ट होते हैं तो वो छोटा सा तुम्हें दिख रहा है टाइम, 15 दिन का सिंपल गोल रखो, वो कैन आई मेक, लर्न और स्टडी, और 15 दिन में जो भी गोल लिखे हो उनको लिखो, चिपका दो, ताकि तुम सुबह उठो तुम वो अवॉइड नहीं कर पाओ, तुम्हारी खोपड़ी पे तुम्हारे सामने लगा रहा है और तुम्हें डराता रहे। पहली चीज, एवरी सिंगल डे इज असाइंड टू अ टास्क। सेकंड चीज आती है पर्पस। जब तक तुम्हारी सेल्फ डेली मंडेनिटी या मोनोटनी से अटैच्ड है, यानी कि यार मेरे पास 500 प्लेजर्स अवेलेबल हैं आज, यानी कि मैं सिंपल बैठ के मीम्स देख सकता हूँ, फेसबुक पे 2 घंटे की वीडियो देख सकता हूँ, मूवी क्लिप्स देख सकता हूँ, ये देख सकता हूँ, शोज देख सकता हूँ, एनिमे देख सकता हूँ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन अगर तुम्हें चाहिए तो वो क्या है, प्लेजर बेस्ड है, सेल्फ को भी क्या चाहिए यार, सो लेते थोड़ा, सो जाओ भोसड़ी के जाके, यार लौड़े क्या, टीवी देखते हैं थोड़ा, अरे क्यों कसरत करूं मैं जाके, सेल्फ को प्रेजेंट में कसरत करने से झांटा कुछ नहीं मिल रहा, वो तो तुम फ्यूचर सेल्फ के लिए एक्शन में कर रहे हो ना, जब उसको प्रेजेंट सेल्फ को डिस्ट्रेस मिलता है फेलियर से, उसको जो प्लेजर चाहिए अब नहीं मिल रहा, तब उसको रिलाइज होता है, अरे मैंने काम क्यों नहीं किया, अरे पास सेल को तब वो गाली बकता है। स्टेबिलिटी क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या होती है, आर्थिक से लेके इमोशनल से लेके सारी स्टेबिलिटी क्या है, काइंड ऑफ है कि हम एक बेसलाइन मजा वाली स्टेट में आ जाएंगे जो कि स्टेबल है। ये कैसे तुम इंश्योर करते हो, तुम प्रेजेंट सेल्फ की गांड पे 2 लाते मारते हो और तुम इंचार्ज बनाते हो पर्पस को प्रेजेंट सेल्फ के। अभी तुम्हारी जिंदगी आया है, तुम्हारी प्रेजेंट सेल्फ है इनचार्ज तुम्हारी बीइंग के। अब हमें इससे मुक्त हो कि हमें एक बड़े पर्पस से अपने आप को वो करना है जहां पे वो मुझे लगे मेरे फ्यूचर को भी सिक्योर कर रहा है, प्लस मुझको भी एक अलग लेवल का मजा दे रहा है। मेक करंट टाइम, करंट पार्ट ऑफ योर स्टोरी समथिंग बिगर, समथिंग ग्रैंड। रेज मोड में चल रही है मेरी जिंदगी, रेज आर्क है, अटैक आर्क है, कुछ भी है, अपने आप को एक काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग में लाओ। तो 15 दिन के गोल मेरे सेट है और मैं रेज मोड पे हूं, या रेज आर्क चल रही है मेरी जिंदगी की। आओ बहन की आंख, जितने गोल्स हैं आओ, तुमने काइंड ऑफ इमोशनली अपने आपको रैप किया एक नैरेटिव साइकोलॉजिकल टूल में, जहां पे तुम अपनी जिंदगी को कैसे देखते हो तुम वो चेंज कर रहे हो, रादर देन मैं एक इंसान हूं जो सुबह उठता हूं, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है और पढ़ाई करके मेरा ये ड्यूटी है, मेरा ये काम तो करना ही करना है। जब तक तुम ऐसी चीजों को देख रहे हो, वो काम को एक बहुत ही छोटे टास्क में रिड्यूस कर देते हैं, वो काम को तुम्हारी बींग से कुछ कनेक्ट नहीं कर रहे,
तुम्हारी मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक रहती है एज अपोज टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन, लेकिन तुम जहां उसको नैरेटिव को चेंज करते हो तुम उसको एक काम भी नहीं देखते हो, तुम देख रहे हो तुम एक सुपर हीरो हो और ये सारी चीजें जो है, ये काम जो है, ये सारे टास्क हैं, तुम्हारे मिशन है, तुम्हें फोड़ते चले जाना है ताकि तुम सबसे भयंकर वर्जन बन पाओ अपना। तो तुमने वो मोटिवेशन को चेंज करके इंट्रिंसिक बना दिया, वो काम अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट और गोल्स हो जाते हैं, मिशन हो जाते हैं जिन्हें तुम्हें अब हराना है, वो स्टेजेस हैं, वो बॉसेस हैं जिन्हें तुम्हें बीट करना ही करना है। तुम ज्यादा काम कर पाओगे, तुम ज्यादा इन्वॉल्व होगे, तुम्हारा अटेंशन ज्यादा बेटर होगा, क्यों? क्योंकि तुम उस चीज में कंप्लीटली एंग्रोस्ड हो, तुम कंप्लीटली इमर्स्ड हो, क्योंकि यार ये चीज करनी है तो तुम्हारा अटेंशन उस पर लेट्स से 30-40% है, बट ये मेरा मेन गोल है जिंदगी का, इसकी फाड़ के हाथ में रखूंगा, तो तुम्हारी अटेंशन हो सकता है 80% उस चीज में। तीसरी चीज, बॉडी ओवर माइंड। बेस लाइन पर अगर मैं कंप्लीटली एक्सरसाइज करता ही नहीं हूं तो मैं क्या करूंगा, मेरा गोल होता है 15 दिन में अचीव करना बेस लाइन में। यहां पे मैं बात कर रहा हूं उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई कसरत नहीं करी, 50 पुशअप्स और 20 स्क्वाट्स, ये मेरा 15 दिन का गोल है। 50 पुशअप्स ये मानिए कि एक बार में 50 पुशअप मार लिए, आप दो सेट्स कर सकते हो 25-25 के, या तीन सेट कर सकते हो 20-15-15, जैसे भी तुम्हें करना है, एक एक मिनट का ब्रेक ले लो, दो दो मिनट का ब्रेक ले लो बीच में, लेकिन अगर तुम कंप्लीट बिगिनर हो तो ऐसे शुरुआत करो। तुम्हें अपनी बॉडी को भी बेहतर होते हुए, अपने अंदर बेहतर होते हुए महसूस करना है, यू हैव टू गो थ्रू दैट फीलिंग ताकि तुम उस ट्रांसफॉर्मेशन को कभी रोको नहीं। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन इंटेलेक्चुअल होना चाहिए और फिजिकल भी होना चाहिए, दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को बहुत खूबसूरत वे में। जो लोग बेस लाइन से आगे बढ़ चुके हैं, 50 पुशअप तुम कर लेते हो, 20 स्क्वाट्स कर लेते हो, तुम्हें क्या करना है, सिंपल स्ट्रेचिंग बैंड्स आते हैं, ठीक है, Amazon पे जाओगे बहुत सस्ते होते हैं, बैंड्स होते हैं वर्कआउट करने वाले जो बहुत स्ट्रेच हो जाते हैं, अपनी बॉडी के अराउंड तुम्हें स्ट्रेचिंग बैंड लगाना है और तुम्हें उसके साथ पुशअप करना है। तुम 50 बैंड लगा के करो, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पुशअप्स हार्डर हो जाते हैं, 50 वापस तुम्हारा नया गोल हो जाता है। जिसको नहीं पता बैंड से पुशअप कैसे करते हैं, कुछ सिंपल यूट्यूब पे जाके वीडियो सर्च कर सकते हो, 500 वीडियो मिल जाएंगे, सेम स्क्वाट्स के भी मिल जाएंगे, या थोड़ा सा अगर वेट अपने पे पुट कर पाओ, सिंपल वेट पुट कर लो, वेट के साथ तुमने पूरी चीज वापस चेंज कर दी इक्वेशन, वापस हमारे पुशअप्स हार्ड हो जाएंगे, वापस हमारा गोल रीसेट हो जाता है। लास्ट आता है माइंड ओवर बॉडी। थ्योरेटिकली हम बहुत ज्यादा बात करते हैं सेल्फ कंट्रोल की, मुठ मत मारो इसमें भी सेल्फ कंट्रोल आता है, ये चीज मत करो इसमें भी सेल्फ कंट्रोल आता है। सबसे बेस चीज क्या है जो फिजिकली मैं कर सकता हूं कनेक्ट की सेल्फ कंट्रोल मुझे इंप्लॉय करनी है, खाना बहन जो तुम पता नहीं क्या टट्टी खा रहे हो, सबसे बेस लेवल तुम क्या कर सकते हो, खाने भाई मैं शुगर सिर्फ 2 चम्मच लूंगा दिन की, यानी कि अगर चाय में मैं टीस्पून की बात कर रहा हूं 2 चम्मच लेता हूं, मुझे सेल्फ कंट्रोल 15 दिन के लिए चाहिए कि मैं प्रोसेस खाना नहीं खाऊंगा। तो गूगल कर सकते हो प्रोसेस फूड क्या होते हैं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं कोई भी चीज जिसमें शुगर भरी हुई है मैं नहीं खाऊंगा, सिर्फ 15 दिन के लिए। मैं क्या कह रहा हूं, ये तुम्हारी नई आर्क में तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना है अपनी बॉडी को, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना है अपने दिमाग को। तो भाई शुगर 2 चम्मच, प्रोसेस फूड गए भाड़ में, डीप फ्राइड फूड गए भाड़ में, कोई भी चीज जो स्नैक रोड के किनारे तुम्हें मिल रही, तुम्हें होता है जीप लबलबाती है, तुम्हारा बहुत छटकारे मार के होता है कि भाई सूत लेती है, तो हेल्थी है, अपने आप को तुमने कन्विंस कर रखा है बहुत हेल्थी फूड है, मादर चोद लौड़े से हेल्थी है वो, तुम गांड मार रहे हो अपने शरीर की, एज सिंपल एज दैट। घर में जो भी बन रहा है अच्छे घी से तेल से उसको खाओ, बेमतलब के मेयोनीज, ये ड्रेसिंग वो ड्रेसिंग जो बहुत हार्मफुल है, सब कुछ बंद करो मां की चूत। माइंड ओवर बॉडी, बॉडी ओवर माइंड, पर्पस डिसिप्लिन, ये तुम्हें मैंने सिर्फ 15 दिन की इतनी बड़ी बकचोदी जो बताई है सिर्फ 15 दिन की बनाई है, करो, ये कोई हार्ड भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के जो कहेंगे शायद ये बहुत हार्ड चीज है, मैंने कोई हार्ड चीज नहीं बताई, पोस्ट 50 दंड मारने और पोस्ट स्क्वाट्स मारने हैं, 10-10 के 2 स्क्वाट्स मार सकते हो, 5-5 के 4 सेट कर सकते हो, आराम से करो जिसने आज तक नहीं किया। पर्पस लाओ अपनी जिंदगी में, अपने आपको एक स्टोरी आर्क में अपने आपको इन्वॉल्व करो, मेक योर करंट पर्पस जो भी तुमको तुम गोल्स कह रहे हो समथिंग बिगर। लास्ट चीज है डिसिप्लिन भाई, तुम्हें काम करना है जहां पे तुम रोक ना पाओ, करते चले जाओ, स्ट्रक्चर्स बिल्ड करो, सिस्टम्स बिल्ड करो, तुम फाड़ते चले जाओ। जिसके पास लेट्स से सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स की प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, तो तुम उठा सकते हो अटैक मोड। अटैक मोड के अंदर न्यूक्लियर मोड भी है, तुम एक सिस्टमैटिक वे में जो पूरी चीज है होलिस्टिक, तुम्हारा जो भी गोल अचीवमेंट है तुम उसको करोगे पूरी तरह से, तो अटैक मोड उठाओ, इसीलिए बनाया है ये, कोई फालतू मोटिवेशन ये सब बकरचोदी नहीं है उसके अंदर, साइंस बैक टूल्स हैं जो कि तुम्हारे को हेल्प करेंगे गोल अचीवमेंट में सिस्टमैटिकली। चाहे तुम्हारा कॉम्पिटिशन फोड़ना हो, कंपनी स्टार्ट करना हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, फ्रीलांस काम करते हो, कुछ भी हो, तुम सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हो उन सिस्टम्स को आगे बढ़ने के लिए अपनी जिंदगी में। 15 दिन के लिए आई होप तुम ये चीज करने वाले हो, करो भोसड़ी के, एक बार कम से कम एक बार चखो तो व्हाट इट इज लाइक टू फील कि आई एम बिकमिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तुम्हें आइडिया ही नहीं है, चखो तो एक बार वो फीलिंग को महसूस करो। जब मैं अल्ट्रा लेवल पर प्रोडक्टिव होता हूं, जब मेरी सारी चीजें हो रही होती हैं, तो फीलिंग क्या होती है, और फिर तो पता चलेगा जो तुम अभी जिंदगी झांटा जी रहे हो ना, वो कभी जिंदगी में तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे एक बार ये महसूस कर लीजिए जिस दिन, क्योंकि तुम्हें पता है वो कितनी सुपीरियर फीलिंग है।
कितनी बेहतरीन फीलिंग है। तो तुम बार बार वापस आते चले जाओगे, जब जब तुम गिरोगे तुम उठाओगे अपने आप को, तुम छोड़ोगे नहीं, क्योंकि तुमने चख लिया भाई वो अल्ट्रा प्रोडक्टिव सेल्फ क्या होती है। आओ।